Stop it!
पाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग बिना पढ़े बिना कॉलेज गए पास हो जाते हैं, और क्यों ओवर टाइम करने के बावजूद मेरे पिताजी मेरी फीस तक नहीं जुटा पाते, और किताबें तो। अरे प्रिंसिपल साहब, इस बार तो यूजीसी ने लाइब्रेरी की क्रांति बढ़ा दी, अब तो आप किताबें खरीदिए और कमीशन ही कमीशन। नहीं, इतने दिन चले गए गोलमाल लाइब्रेरी साहब, और कहाँ गई वो किताबें जो कोर्स में थी। लाइब्रेरी किसी की चाहिए नहीं, इसे चाहिए 100 चक्कर लगा रहे, नहीं तो जाके बाजार से खरीद ले। अरे इतनी महंगी किताबें खरीदना क्या मेरे बस में है? और फिर लाइब्रेरी का चंदा लेते आप लोग, अब आप ही कुछ कीजिए प्रिंसिपल साहब। बेटे ये कॉलेज है ना सामाजिक आंदोलन नहीं, और तुम्हारी आर्थिक समस्या हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारा। आर्थिक समस्या तो क्या नहीं पैदा की हुई है? अरे मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे किताबें चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल है। थोड़ा तुम पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो, लेकिन नोट्स बनाने के लिए किताबें जो बनाना करता है तुम्हारा है, जब जब करता नहीं। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, क्या इस कायनात का कोई ऐसा कोना है जहाँ कर्तव्य शब्द से मुझे छुटकारा मिल सके? किताबें खरीदने का कर्तव्य, नोट्स बनाने का कर्तव्य, अनुशासन बनाए रखने का कर्तव्य, रोज रोज 20 मील दूर से बसों में धक्के खाकर कॉलेज समय पहुंचने का कर्तव्य। तुम्हारा घर दूर है पर नसीब बताने का रहो। बहुत खूब भाई चांसलर साहब, जिसके पास खुद के घर की किराया देने तक के पैसे नहीं, अब उसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने बेटे के लिए शहर में मकान लेकर हॉस्टलों के बिल भुगते। आप क्यों हॉस्टल लेबर वाले दे? 200 लीटर या हॉस्टल की गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसे लेनी चाहिए, उसे लेनी पड़ेगी। उसके जितना हो लेके, तुम मेरे पास अपनी समस्या लेकर कभी नहीं आए। मैं तुम्हारे पिताजी की जगह हूँ, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। काश तुम मुझ पर यकीन रखते, यूनियन के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ नारेबाजी ना करते, तो ऐसा मुमकिन था कि मैं तुम जैसे होना लड़के के लिए किसी भी हद से गुजर जाता। आप की हद मैंने देखी है वाइस चांसलर साहब, मिनिस्टर के भतीजे को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए आपने यूनिवर्सिटी के कायदे कानून बदल दिए। और फिर चेयरमैन के लड़के को एडमिशन दिलाने के लिए आपने अक्कल के सारे घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन जब मैंने फीस माफी की बात की तो यूजीसी का ऑर्डर मेरे हाथ में समा लिया। आप किस हद तक मेरी मदद करते हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़ गए हो। ये सीमा बनी है बड़ी बड़ी ऑलरेडी पिछले मंत्री को तुमने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। आगे बढ़ना है तो यूनिवर्सिटी के कायदे कानून की इज्जत करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट
थी? रामेश्वर दयाल, प्रेजेंट सर। जल की द्रव्यता और मानुष की सभ्यता के बारे में क्या जानते हो? दोनों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। आखिर मुझे डिग्री मिल ही गई और अब नौकरी भी मिल ही जाएगी। और जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पैर में बूट होगा और बाहों में तोरी का बदन होगा। नीर करो, नीर करो। मीट माय वाइफ मिसेस मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग सर, मैं बी एड फर्स्ट डिविजन, मुझे नौकरी चाहिए। अरे बाबू सर, उठाए नौकरी चल कल आते। सर मुझे नौकरी चाहिए। क्यों नौकरी नौकरी तो बताएंगे। सर प्लीज मुझे नौकरी चाहिए। मंत्री मंत्री की पहचान है? कोई चिट्ठी मिट्टी पेटी मेटी लाए वो टेबल के नीचे रखने के लिए? टेबल के नीचे रखने तो कुछ नहीं लाए। तो निकलो यहाँ से। सर सर मुझे नौकरी चाहिए। बेरोजगार हो? अबे कहाँ है नौकरी? मुझे नौकरी दे, जल्दी कर। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा कहकर काहे उदास तू? छोटी सी नाकामी से ना छोड़े मन की आस तू। बड़ी मुश्किलें आएगी रे जीवन के इस दौर में, लाखों लाख जवान लगे हैं नौकरियों की होड़ में। धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा बरसों की मेहनत के बदले बड़ी नौकरी पाएगा, बड़ी नौकरी पाएगा तू, बड़ी नौकरी पाएगा। पुराने दिन पुराने समय, निम्नलिखित पोस्टों के साक्षात्कार है तू पुराने भवन की पुरानी मंजिल पर कमरा नंबर पड़ा पड़ा में हाजिर हो। इंटरव्यू पिताजी, इंटरव्यू। जल्दी जल्दी रख लो, मेरे को रस्सी में कट लो, पढ़ा पढ़ाया फिर दोहरा लो, डिग्री फोटो सेट करा लो, बाल काट लो, नाखून काट लो। हरियो 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 हरियो। महाराज कृपा की उल्टी सीधी बात न करना, नाजुक फसलों पर चुप रहना और आगे आगे ऊपर वाले की मर्जी। बोलो पाशाराम बापू की जय। वीर खड़ी है नीचे उम्मीदवारों की, अपने अपने माँ के राज दुलारों की। यही कोई 40,000 लड़के है, जनरल नॉलेज रास्ते में रहते हैं। ठीक है ठीक है, एक एक करके उन्हें ऊपर बुलाओ, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ कर जल्दी से चल जाओ। जावेद अख्तर जी को प्रथम उपन्यास कौन सा था?
नहीं है। क्या कोई योगदान नहीं है? मगर मुझे तो पढ़ाया गया था कि प्रेमचंद, यशपाल और भगवती चरण वर्मा ने बस बस चरण वर्मा लगाया था। जब पूरे हिंदी साहित्य के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो क्यों टांग रहे हो? अच्छा, और कौन सा विषय है तुम्हारा? जी, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। पर यह बताओ कि आचरण बापू और निर्मल बाबा के दर्शनों में से तुम्हें कौन सा पसंद है और क्यों? संदर्भ सहित व्याख्या करो विद प्रॉपर रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। जी वो मतलब आशाराम बापू को कभी देखा है तुमने? हाँ वो तो बताओ। आशाराम बापू छोड़ो, और क्या विषय तुम्हारा? सी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी राजनीति। गुड, वेरी गुड। हार्दिक पटेल और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते के बारे में मैं बता सकता हूँ, पर उनके रिश्तों के बारे में हाँ, उनका क्या कहना है ये मुझे नहीं मालूम। आगे तुम जाते जाओ। सही नहीं बोली तुमने। गारंटी सिविल राइट्स, संघ की सभ्यता और मानव की सभ्यता है पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। शिवाजी ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों पर उदाराघात किया था और ये संसार अनंत और असीम है। क्यों पूछते हो गलत गलत सवाल? क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि ये लोग ये संसार अनंत असीम है। यहां से लेकर वहां तक रेगिस्तान है बेरोजगारी का। मुझे बताओ, आप बताओ, नहीं आप बताओ, कब ये बेरोजगारी दूर होगी? कब मुझे रोजगार मिलेगा? नहीं तो क्या हम यार बंदे चलाए तो कहां जाऊं मैं, किधर जाऊं मैं? हर रोज इसी उम्मीद के सहारे घर से निकलता हूं कि आज तो अपॉइंटमेंट लेकर ही घर लौटूंगा। अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पे सुकून देखूंगा, लेकिन हर आने वाला दिन नाकामयाबी का दिन बन जाता है, जैसे आज का देखा ना आपने। लेकिन घर को जाना ही पड़ेगा। उदास और परेशान, बेरोजगारी ने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। दोस्तों पहले किसी मोड़ पर जुदा हो गए, ऊपर वाले अब तो तुझसे भी मेरा नाता टूट जाएगा। इस दुनिया ने तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते, सच्चाई भी झूठ बन गई किससे किससे। किस सबने वही किया जो सबने इसको बताया, उसी मार्ग पर चला जो गुरुओं ने इसको सिखलाया। मैंने मेहनत से पढ़ाई की, उस्तादों का मान किया, ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, रोजगार दफ्तरों में नाम लिखवाया, उम्मीदों के हवाई किले बनाए और धैर्य से इंतजार किया, और इंतजार करते करते उपदेश नसीहतें सरकारी गैर सरकारी कर्म करो तो बन पाओगे, हिंदी अफसर बन जाओगे। भारत का प्यारा है, फॉरेन का न्यारा है, हरिजनों के समाधिकार न्याय के पूरे हकदार, प्रजा का सेवा नारा है। भारत वर्ष हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, भारत वर्ष हमारा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, समाजवाद के हम अनुयायी। राम सिया राम सिया राम जय जय बोलो राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे जहां से अनुशासन बिंदु से नाम हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। आपको पता है मैंने 3 इंटरव्यू दिए, एक
दो तीन और तीनों बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मेरी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं था। इसका जिम्मेदार ये लड़का, इसका बाप या तीन बार में नाकामयाब लौटा और तीनों बार नौकरी किसी सिफारिशी आदमी को मिली। इसका जिम्मेदार ये लड़का, इसका बाप या आज मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मेरे सामने अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा बेरोजगारी का। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? आदिवासी भूखे नंगे पेड़ों की पत्ती खाए, संगठित पर पैदा होकर उसका गोबर बन जाए। हमने सुखी झोपड़ियों के आंगन में भूख सहती है, लेकिन अपनी कला राजकोष